सूरह सूरज आयत नंबर 25। अहमदहू व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फऔधु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين وهو और वही है जो यकबल तौबा कबूल करता है पलटना। वह हुआ, ये जो पिछले दो रुकू गुजरे हमारे उसमें जितनी भी अल्लाह पाक की सिफात बयान की गई हैं, उसकी नेमतें बयान की, उनकी तरफ इशारा की, ये वही है जिसने पलटना तुम्हारे लिए, तुम्हारा पलटना कबूल किया। आप किसी सॉफ्टवेयर पे जाते ना तो उसमें बैक का, फिर अगर आप गलत आपसे एक्शन हो गया तो उसमें बैक का जो है वो एक ऑप्शन होता है कि आप पिछले पे मेनू पे जाना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये अगर पलटना अल्लाह पाक ना रखता कि ठीक है तुम नेक हो जाओगे तो देखी जाएगी आगे, लेकिन जो पिछला तुमने किया हुआ वो हमारे यहां सेव्ड है, वो तुम्हारे अकाउंट में से कहीं नहीं जाएगा। अब तुम उसको बराबर करने के लिए आगे करो नेकी जो करनी है, तो कौन कर सकता था? नहीं तो उसका एहसान होकर चलो ठीक है पिछला मैंने जीरो कर दिया, तो अब आप एक नेकी भी करेंगे तो आपके किसी काम आ जाएगी। अगर पिछला रिकॉर्ड बाकी रहे तो फिर तो सारी नेकियां कर्जे में चली जाए ना, एक बात। फिर दूसरा ये कि अगर उसका खलूस बंदे का ठीक है और मुखलस है तो उन बदियों को नेकियों में तब्दील कर दे। एक मंजर है ना, देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बंदे मारना नहीं सिखाया सहाबा को। आप जिहाद जहां जरूरत होती थी बंदे लेकर जाते थे, और वला तुसरिफू फिल कत्ल, बंदे मारने में भी इसराफ मत करो, जाने लेने में भी इसराफ मत करो। अगर एक मुर्गी से पेट भर जाता है पूरे घर का तो 100 चिड़िया 100 बटेर मत मारो, ये मकरूह है। एक बंदे के चस्के के लिए 100 जाने लेना, उसकी बजाय अगर एक जान लेकर घर पूरा का पेट भर जाए तो वो ज्यादा मुनासिब है। वला तुसरिफू फिल कत्ल, जान लेने में भी इसराफ मत करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से जहाद में भी काम लेते थे और बंदे कम से कम, औरतों पे हाथ नहीं उठाना, बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, फसल बर्बाद नहीं करनी है, शरायत होती थी। ये नहीं कि जो भी है उसको मार दो, मस्जिद धमाके से उड़ा दो, नमाजियों समेत इतकाम में बंदे मार दो, ये जहाद नहीं, ये फसाद फिल अर्ज। तो आप जब बंदे जहाज से वापस आते थे तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस आप सुनते हैं कि जो ये भी करेगा उसे मुजाहिद से ज्यादा अजर मिलेगा, तो वो उनका मोड बदली करने के लिए कि सिर्फ बंदे मारना नहीं सिखाना बल्कि इनके अंदर रिक्कत भी पैदा करनी है, इनको बंदे के बच्चे बनाना है। तो वो जो आप पढ़ते ना कि फलां काम करो तो जिहाद से भी ज्यादा सवाब हो, तो बंदे कहते हैं यार कैसे जिहाद से ज्यादा सवाब हो सके। वो बस जिहाद वालों को कहा जा रहा है कि वो तुम कर आए हो, अब ये करोगे तो अब उससे भी ज्यादा अजर की बात। तो बड़ी बड़ी अजीब और बड़ी बड़ी प्यारी अहादीस हैं जो रिक्कत पैदा कर देती हैं बंदे के अंदर, अल्लाह पाक से जोड़ देती हैं बंदे को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मुस्कुराए,
तो आपने फरमाया कि तुम पूछते नहीं हो कि मैं क्यों मुस्कराया हूं। तो साहबा ने कहा कि जी बता दिया। आपने फरमाया कि अल्लाह पाक जो है वो मुस्कराया है, अल्लाह पाक ने मुझे एक बंदे का हाल बताया, कोई क्लिप दिखाया अल्लाह पाक ने आखरत का, मैशर का, तो उस पर अल्लाह पाक मुस्कराया है तो मैं भी मुस्कराया हूं। तो उसमें आप फरमाते हैं कि एक बंदा होगा और अल्लाह पाक फरिश्तों से कहेगा कि इसके तुम छोटे छोटे गुनाह गिनवाओ। वो छोटों से शुरू करेंगे। आपको पता है जब ट्रॉफी देना शुरू करते हैं तो पहले कहते हैं जी थर्ड वाले को और फिर सेकंड वाले को, फिर आखिर में पहले वाले को फिर मिलती है। कहा छोटे छोटे गुनाह के गिनवाओ। अब उन्होंने छोटे छोटे गिनवाने शुरू कर दिए कि इसने ये भी किया था, इसने ये भी किया था, इसने, और वो बंदा शोर मचाए, ओ यार बस ठीक है, जब मैं मान गया हूं कि मैं मुजरिम गुनाहगार हूं यार, सजा का ऐलान उसको रहने दो यार, क्यों टाइम जाया करते हो। तो वो इसरार करेगा कि मजीद रिकॉर्ड ना चेक किया जाए और उसको सजा सुना दी जाए। तो जब वो ज्यादा शोर करेगा तो अल्लाह पाक कहेगा अच्छा ठीक है, इसके जो तुमने गुनाह गिनवा दिए हैं उसके इवज उसकी नेकियां बदली, उस इतवादे में नेकियां दे दो। तो उस पर वो कहेगा सब्र करें जी, अभी बड़े बड़े तो नीचे पड़े हुए हैं। फिर वो कहेगा नहीं, अभी अगर ये काम है तो फिर असली वाले तो नीचे पड़े हुए छक्के जो मैंने मारे हुए हैं। तो अल्लाह पाक उसकी इस लालच पे मुस्कुरा देगा, देखो यहां भी ये सियासत कर रहा है। तो ये मैशर के मनाजर बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन पे बंदे का दिल अल्लाह के प्यार से भर जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है। जैसे आम तौर पे मौलवी अल्लाह को पेंट करते हैं कि गुस्से से सुर्ख हुआ, तंदूर पे बैठा हुआ और बंदे पकड़ पकड़ के डाल रहे, ऐसा नहीं। हमने सुना एक बंदे को अल्लाह पाक जब उसके अमाल की वजह से फैसला हो जाएगा कि जहन्नम में भेज दिया जाए, तो वो बंदा मुड़ के पीछे देखेगा तो अल्लाह पाक उसे कहेंगे पीछे क्या देखते हो, तो कहेगा कि अल्लाह तेरे बारे में मेरा यह गुमान नहीं था। अल्लाह पाक फरिश्तों से वापस ले, हाँ जी तेरा मेरे बारे में क्या गुमान था, मेरा तेरे बारे में यह गुमान था कि जब मैं तेरे सामने खड़ा हूंगा तो तू मुझे बख्श देगा। अल्लाह पाक कहेगा जाओ, मैंने तेरे गुमान के मुताबिक तेरा मामला किया। तो तीन आदमी जो है वो जहन्नम से निकाले जाएंगे। मैं ये चूंकि अब मौजूद आ गया तो मैं आपके सामने तीन हदीस रख रहा हूं। इतना शोर मचाएंगे वो कि अहले जहन्नम परेशान हो जाएंगे कि एक तो ये अजाब है और एक इनकी टांट आई। तो वो कहेंगे अल्लाह पाक से कि या तो हमें किसी और सेक्शन में भेज दिया जाए या इनको किसी और सेक्शन में भेज दिया जाए, ये दो अजाब हमें ना दिया जाए। तो अल्लाह पाक फरिश्तों से कहेगा अच्छा इन तीनों को निकाल के लाओ। अच्छा ये लाए जाएंगे, लाए जाएंगे जब, तो अल्लाह वो तौबा तैब करेंगे कि अल्लाह पाक तो अब तू दुनिया पर हमें भेज दे, बिल्कुल तेरी नाफरमानी हम नहीं करेंगे, गलती हो गई हमसे। होता है ना बार, आपको पता हमारे जब क्लास फेलो होते थे तो बाज वो भी होते थे कि जिनको मार थोड़ी पड़ती थी और वो शोर ज्यादा मचाते और बच भी जाते थे। यानी मास्टर साहब एक हल्का सा तप्पड़ लगा दे पता चलता पसली टूट गई उनकी। और बाज वो ढीठ भी होते थे, डंडे खाते रहते थे और सी नहीं करते थे अना की वजह से, तो वो ज्यादा शोर करेंगे भाई क्यों, बस अब दुनिया में भेज दे हम तेरी तो। अच्छा तुम्हारे लिए अब दोबारा दुनिया बनाई जाए तो हम यहां तुम्हारा इम्तहान ले लेते हैं। अल्लाह पाक तुम वादा करते हो कि तुम मेरा हुक्म मानोगे, अब है अल्लाह हम पक्का वादा करते जो भी तू कहेगा अब हम मानेंगे। तो अल्लाह पाक कहेगा अच्छा जाओ छलांग लगा दो जहन्नम में, मेरा हुक्म मानोगे ना, तुमने वादा किया है तो जाओ जहन्नम में छलांग लगा दो। तो आपने फरमाया कि एक तो दौड़ता हुआ जाएगा और छलांग लगा देगा जहन्नम में और सीधा जाके जन्नत में पड़ेगा, पास हो गया इम्तहान में। अच्छा दूसरे से कहा जाएगा तो वो कहेगा कि अल्लाह पाक जब तूने निकाला था ना तो मैंने तो ये समझा था अब तू नहीं डालेगा, नहीं तेरी अतात अपनी जगह पे है लेकिन जब तूने एक दफा निकाला था तो तूने वहां तो कुरान में कहीं भी जिक्र नहीं किया कि फिर निकाल के फिर डालूंगा मैं, तूने कहा था खालिदीन फिया वो उधर ही पड़े रहेंगे, जब तूने निकाला तो हमने समझा कि हम खालिदीन फिया से निकल आए अब तू हमें माफ कर देगा। तो अल्लाह पाक उसे कहेगा कि तेरे गुमान के वजह से मैं तुम्हें माफ, यानी जो तुझे उम्मीद थी मुझसे उसके मामले में। तो वो अल्लाह जिसने तौबा कबूल करना अपने यहां लीगलाइज किया, उसको लेजिटिमेट किया उसको कि तुम तौबा करोगे तो मैं कबूल कर लूंगा, और उसकी कोई हद भी नहीं रखी,
यानी जब इबलीस ने कहा ना कि अल्लाह मुझे ये भी दे दे, मुझे ये पावर भी दे दे, मैं इनके दिलों में एक्सेस कर लूं, मैं फलां कर लूं, मैं फलां, तो अल्लाह कहेगा ठीक है, अल्लाह का मा तलबता, अल्लाह का मा तलबता, जो तूने मांगा तुझे। तो उस पे आदम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि अल्लाह पाक तूने तो सब कुछ को दे दिए। अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने तुम्हारे लिए तौबा नहीं रखी, उसे मुंह काला करने दो। जब मैंने तुम्हारे लिए रखा कि सांस निकलने से पहले जब तक तेरी रूह तेरे बदन के अंदर है तू पलट आएगा, मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम्हारा क्या गया है भाई? ये सारा कुछ करके तुमसे गुनाह करवाएगा ना। तो मैंने कहा तू पलट आए जान निकलने से पहले तो मैं वो गुनाह भी माफ कर दूंगा उसके बदले ने, इसलिए कि जो निकल के आता है ना बंदा गुनाह से, गुनाह जो नहीं करता, देखे जो बंदा सिगरेट पीता ही नहीं, अच्छी बात है नहीं पीना चाहिए, लेकिन कमाल उसका नहीं है, कमाल उसका है जो पीता हुआ छोड़ के आता है, जिसको लत पड़ जाती है ना, कुर्बानी उसकी कुर्बानी, अजियत से वो गुजरा है, उसे जो छोड़ने में नशा जो अजियत पर। इसीलिए जब बंदा गुनाह से निकल के आता है ना तो आपको एहसास ही नहीं है कि उसको कितनी अजियत होती है, क्यों अल्लाह बदली कर देता गुनाहों को नेकियों में, जितनी उसको तकलीफ हुई होती है उस लत से निकलने में, उस लस्ट से निकलने में, वो सारी उसके प्लस पॉइंट होते, दाएं पलड़े में डाला जाता है। मैं कहता हूं जब आपकी गाड़ी जितनी ज्यादा फंस के निकलती है पूरे टायर उसके फंस जाते हैं दलदल में, फिर निकल आती है तो पैसे पूरे हो जाते हैं कि नहीं? फिर आप उस पर हाथ फेरते हैं कि 1.5 लाख पूरा हो गया, साबित कर दिया इसने कि। इसी तरह जब बंदा गुनाहों से निकल आता है तो अल्लाह पाक उसके ईमान पर हाथ फेरता है, साबित कर दिया इसने कि इसको अब मेरे ऊपर ईमान। तो वो तौबा न सिर्फ कबूल करता है बल्कि युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात वकान अल्लाह गफूरर रहीम, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है, अल्लाह उनके गुनाहों को भी, ये किस लिए? पलट के आने के। वयाफू अन सय्यिआत, एक तो हुआ ना गुनाह कि जी बंदे ने गुनाह किया है, एक वो गुनाह होता है जो क्लस्टर बम होता है कि एक बड़ा सा बम है और उसके अंदर छोटे छोटे बम पड़े हुए हैं, जो आजकल बशार अल असद इस्तेमाल कर ले सुनियों के खिलाफ। गुनाह एक क्लस्टर बम होता है, उसके बड़े बच्चे होते हैं, हम एक गुनाह करते हैं उसका उसकी जद पूरी फैमिली पर पड़ती है, हम तो तौबा कर लेते हैं, उनका क्या होगा? मसला तो ये, फरमाया हम उसके आफ्टर इफेक्ट्स माफ कर देते, यानी ये और बड़ी कमाल की बात है कि ना सिर्फ तेरी तौबा कबूल कर ली, तेरा वो गुनाह हमने माफ कर दिया, बल्कि उस गुनाह में से जो गुनाह निकले थे हमने वो भी सारे उसी फोल्डर में बंद कर दिए तौबा वाले में। ये है ऐसा करीम रब, कोई और है? मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, या अय्युहल वाले इंसान, और तेरे रब में क्या कमी थी? कोई ऐब तो गिनवा ना। निद कौन होता है? नद्दा यू नद्द होता है किसी को कंडेम करना, हुकूमत ने फलां काम की मजम्मत की। निद कौन है? निद वो है कि जिसके पास आप जाएं तो अपने रब को क्रिटिसाइज करें, आप क्यों गए दौले शाह के पास? इसलिए ना कि रब नहीं देता, तो रब को कंडेम करके गए ना, क्रिटिसाइज करके गए ना। अगर रब देता था तो वहां जाने की जरूरत क्या थी? और कुत्ता भी अपने घर से पेट भर ले तो गैर के घर में नहीं जाता, उसको भी अपने घर से ना मिले फिर गैर के घर में जाता है। तो मा गर्रा कबे रब्बे कल करीम, तेरे रब में कमी क्या थी? किस चीज की कमी थी? उसके खजानों में कमी थी या देने में कंजूस था वो? मसला तो ये, वो कहते सानू वैर, साडा वैर ने तू कोई ते कसूर दस जा, वो कोई कसूर तो अपने रब का बताओ ना। वहां जाके खाने से पहले खाक बता के तो जाओ कि रब की क्या कमी थी तुम्हारे रब के खजानों में। रब के खजानों में कमी नहीं थी, तुम्हारा ईमान कोई नहीं था, ये है वो बात, तुम उसको मानते ही नहीं थे, बस एक ख्याल था जो तुम्हारे अंदर मां बाप से ट्रांसफर होता चला आ रहा था, एक शॉर्टकट था, उसके पीछे कोई प्रोग्राम नहीं था, वो प्रोग्राम तुम अनइंस्टॉल कर चुके, सिर्फ खतने हो गए तुम मुसलमान, ये शॉर्टकट,
पीछे मुसलमान ही कोई नहीं, तो अंदर से तुम पक्के हिंदू, सिर्फ देवी का नाम बदली होगे, वहां लक्ष्मी है या दाता है, हैं गैर ही है ना दोनों, और रब तो नहीं है ना, खुदा तो नहीं है ना, गैर है ना, इल्ला के बाद दाता है या अल्लाह है, गैर की गुंजाइश ही कोई नहीं। तो कमी क्या है, ना उसकी रहमत में कमी है ना रहमत करने में, उसने अपने तारफ करवाया तो कहां से करवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूं जो बड़ा रहमान है, खजाने समंदर बड़े पड़े हैं, और वो पकड़ के बैठा हुआ नहीं है जरदारी की तरह, वो अर्रहीम भी है, वो खर्च भी कर रहा है, और टाइमिंग नहीं रखी उसने, अर्रहीम इस तरह जिस तरह दरिया हमेशा बहता है, तो गुनाह भी कर रहा था, उसने तेरी आंखों को दी हुई है तवानाई, देख उसके देख रहमत। मां बाप भी हमारे जरा पॉलिसी के खिलाफ चले ना तो हम उनका भी खर्चा बंद कर देते हैं, और हम रब की जमीन पर दनदनाते फिर रहे हैं उसकी हदें तोड़ते हुए, और वो फिर भी रिजक दे रहा है, इससे ज्यादा भी क्यों करीम है। तारफ उसने क्या करवाया, वाहवल्लजी यकबालु तौबत अन इबादिही व याफू अन सय्यिआति व यालमु मा तफअलून, और कमाल देखो, और उसे पता है तुम क्या करोगे, तौबा कर ली ना उन्हें, हम सब ने अपने अपने वक्त पे तौबा की हुई है, लेकिन फिर हम गुनाह करते हैं कि नहीं करते, अल्लाह को पता था हमने फिर गुनाह करना है, उसके बावजूद तौबा कबूल कर ली, ये रहमत है, ये रहमत है कि पता होने के बावजूद, कमाल ये है कि यालम मा तफालून, वो जानता है कि तुम क्या करोगे, तुम्हें फिर महीने बाद करना है, हफ्ते बाद करना, लेकिन उसके बावजूद कहता है कोई बात, इस वक्त तो मुखलस है ना, इस वक्त तो वादा पक्का कर रहा है, कोई बात। वो जो बंदा था बहुत शोर मचाएगा कयामत के दिन, आखिर में ये बंदा निकाला जाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं उसे देख रहा हूं, मैं उसे पहचानता हूं उस बंदे को, जब उसको निकाला जाएगा तो वो बहुत शोर करेगा, तो अल्लाह पाक कहेगा क्या चाहिए तुम, पूछो इसे क्या चाहिए, कहेगा जी मुझे यहां से निकाल कर बाहर किनारे पे बिठा दिया जाए, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, कसम खाते हो वो कसम खाएगा, जहन्नम से मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे आप यहां से निकाल के बस किनारे पे बिठा दें, मैं तेरी कसम खा के कहता हूं कि मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगूंगा, उठा के बिठा दिया जाएगा। फसा का था माशा अल्लाह वन यस्कुत, वो बंदा उस वक्त तक खामोश रहेगा जब तक अल्लाह पाक चाहेगा कि खामोश रहे, फिर बां बां करना शुरू कर देगा, भाई अब क्या हुआ है, तूने तो वादा किया था कुछ नहीं मांगेगा, मा अगदारा का या इबन आदम, आदम के बेटे तू कितना गद्दार हो, कितना वादा तोड़ता है, अभी तो तूने मेरी कसम खाई थी, मैं कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मेरा मुंह इधर कर दें आप जहन्नम की तरफ से, मेरा मुंह फेर दें, इसे देखा नहीं जाता, और कुछ नहीं मांगो, कुछ नहीं मांगो, ठीक है जी इसका मुंह फेर दो, कसम खाते हो, कसम खाता हूं, मुंह फेर लिया उसका, मुंह फेर लिया तो जन्नत की तरफ हो गया ना। फसा का था माशा अल्लाह यस को, खामोश रहेगा उस वक्त तक जब तक कि अल्लाह चाहेगा, और उसके बाद फिर वो रोना शुरू कर दे, ये अब क्या हुआ है, अल्लाह वो जन्नत के दरवाजे के सामने बिठा दे, अंदर तो मैं नहीं जा, मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूं, मुझे वो बड़े दूर से नजर आ रहे हैं सब, बस मुझे उसके दरवाजे के बाहर बिठा दे, मैं बाहर से देखता रहूंगा, और तो कुछ नहीं मांगोगे, कुछ नहीं मांगो, कसम खाते हो, कसम खाते हो, और फिर वो जन्नत के दरवाजे के सामने बैठा दिया जाएगा, और तब तक वो खामोश रहेगा जब तक रब चाहेगा, फिर उसके अंदर वो मांगा, फिर रोना शुरू कर देगा, ये अब क्या हुआ है, मैं बस अंदर से देख के आ जाऊं, ऐसे हाथ लगाऊंगा, देख बड़े अजीब से नजर आते हैं, तो फिर अल्लाह पाक उसे कहेगा दाखिल हो जाए, हाथ लगा के आ जा, वो अंदर जाएगा और फिर कहेगा तूने कहा था जो उसमें आएगा निकाला नहीं जाएगा, मैंने कुरान में पढ़ा था, एक दफा मौलवी बता रहा था, ला यखरुजू व हुम मिनहा ला यखरुजून, उसमें से निकाले नहीं जाएंगे, यानी वो ये समझ रहा है कि मैंने अल्लाह को दाव लगा लिए, और अल्लाह पाक ये चाहता है कि उसको जन्नत में ले जाए,
जब तक अल्लाह चाहता रहा वो खामोश रहा, जब अल्लाह ने चाहा उसने रोना शुरू कर दिया, फिर अल्लाह ने दिया। तो असल में हुजूर की हदीस है कि इज़न तलका लिसानो का फालम अन्नहु युरीद व युतीक, जब तेरी जुबान खुले तो समझ ले वो तुम्हें देना चाहते। ये तौफीक भी उसकी तरफ से है कि जब देना चाहता है तो खुद ही कहता मांग, और फिर बंदा मांगना शुरू कर देता है और फिर अल्लाह पाक उसे अता करता है। यह भी उसकी रहमत की निशानी है। वह याफ़ अनिसय्यात व यालम मा तफ़अलून, और जानता तुम जो करोगे। वह यस्तजीबुल लज़ीना आमनु, और कबूल करता है ईमान वालों के, यानी जब भी वो मांगते हैं देता है। वह यज़ीद हुम मिन फ़ज़्ल, और अपने फजल से ज्यादा भी देता है, यानी जब हम दुआ मांगते हैं हमारी हर दुआ नाकिस होती है, हमारी हर दुआ नाकिस होती है। ऐसा होता ना कि आप स्पेयर पार्ट्स वाले के पास जाए ना तो आप कहते हैं जी ये पुर्जा दे दे, वो कहते हैं इसके साथ पूरी किट भी है। तो हम किट नहीं मांगते अल्लाह से, हम सिर्फ पुर्जा मांगते, अल्लाह किट भी दे देते। यानी तुम तो मांगते हो नाकस, चूंकि हमारा इल्म नाकस है ना, हमारा इल्म नाकस है, हमारी दुआ भी नाकस है। फरमाया ज़ीदो मिन फ़ज़्ल, अपने फजल से और भी जो उसकी जरूरत होती है। आपने सिर्फ बेटा मांगा था, उन्होंने कहा हाफिज भी बना दो, जा मैं ये भी कर दूंगा, उसे ये भी दे, तेरा नाम रोशन करेगा ये। तो ये क्या हुआ, उसके फजल की तुमने मांगा नहीं था, अपने फजल से उसने अता कर दी। वल काफिरून, और जो ना शुक्रे हैं, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब, बड़ा शदीद अज़ाब है। वला बासत अल्लाह रिज़्क अल इबाद, अगर अल्लाह खोल दे रिज़्क अपने बंदों का, इस पर बड़ी तफसील से पिछले दर्स में बात हो चुकी है, लबगाव फिल अर्ज़, जमीन में बगावत फैल जाए। बगावत का लफ्ज अरबी का लफ्ज। अच्छा, आपने देखा होगा मंजर के एक बंदा बड़ा गरीब होता है, उसको बुलाते हैं आप कंपनी में, काम देते हैं, और दो चार छह महीने के बाद जब उसे रोटी खाना नसीब हो जाती है तो फिर उसके आंखें खुलना शुरू हो जाती है, फलां जगह ज्यादा तनख्वाह है, फलां मेरा कैंसिल करें जी। अब उसका लगा हुआ कुछ नहीं है ना, और एन वो नहीं देखता कि मेरे मालिक को उस वक्त बहुत सख्त जरूरत है, उसे प्रोजेक्ट मिला हुआ है, वो करने जी मेरा कैंसिल करो, उसका लगा हुआ कुछ नहीं, मैंने काम पे नहीं जाना जी, कैंसिल करो जी। अच्छा, उसी बंदे से अगर आपने पाकिस्तानी 2 लाख रुपया लिया हुआ हो ना, या बीवी के जेवर बेच के आया हो ना, या मकान बेच के आया हुआ हो, तो टिक के 3 साल काम करते। इसलिए जो अक्लमंद होते हैं ना, वो फ्री में वीजा नहीं देते, वो पैसे ले लेते हैं उसे, ताकि ये कर्जा उतारने के शौक में वीजा पूरा करे, बेशक वो पैसे उसको फिर वापस भी कर देते हैं थोड़े थोड़े करके, कभी ईदी के नाम पर, कभी किस नाम पर, कभी किस नाम पर पैसे थोड़े थोड़े दे देते, लेकिन एक दफा उसकी किल्ली दबाते हैं ताकि ये वीजा पूरा करे। तो अल्लाह पाक भी अगर सबको अमीर कर दे तो आपकी रोटी कौन पकाए, जूते कौन गांटे, कपड़े कौन करे, ये नाई आपके हजामत बनाता है 2 पांव पे खड़े होकर, ये कौन काम करे, आपके काम सारे रुक। इस गर्मी में गर्म इंजन खोलता है जब मैकेनिक, तो आपने उसका हाल देखा है, आप गुजारा तरस नहीं आता, खोलता है जलता है, इधर से जलता है उधर से, क्यों जल रहा है, पैसे नहीं है, जरा उसके पास पैसे हो जाए और फिर बंगाली काम करे, कभी नहीं करेगा। क्यों, कौन करवा रहा है, अल्लाह करवा रहा है, क्योंकि अल्लाह ने उसको मजबूर रखा है। यह गरीबी जेन्युइन जरूरत है नौ इंसानियत की, गरीब होना भी बहुत जरूरी है, और अमीरी भी ऐब नहीं है, ना गरीबी ऐब है, अमीर होना भी बहुत जरूरी है, वो भी जेन्युइन जरूरत है सोसाइटी। अमीर नहीं होगा मकान नहीं बनाएगा, मकान नहीं बनाएगा तो मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी। हम पहले हमें बड़ी तकलीफ होती थी ना यार, ये लोग कोई ना कोई रोज रोड उखाड़ी हुई होती है, इन्होंने बड़ा गुस्सा आता था इन पर, जब अपनी मशीन ली तो अब शुक्र करते हैं यार प्रोजेक्ट मिले। अब एहसास हुआ कि नहीं, गरीबों की रोटी लगी हुई है, इनका दिमाग फिरता है, हमारी रोटी लगी हुई उसके साथ। तो अल्लाह पाक ने ना अमीरी ऐब है ना गरीबी ऐब है, दोनों इसी तरह इंसानियत की जरूरत है जिस तरह रात और दिन है। ना रात ऐब है ना दिन ऐब है, ना मेल ऐब है ना फीमेल ऐब है, ना धूप ऐब है ना छांव ऐब है। अल्लाह ने ये मिसालें दी, ये सारी जरूरतें हैं सोसाइटी की। हमेशा छांव रहे, बादल रहे, आपकी फसलें ना हो, आपके समंदर का पानी ना उड़े, पानी ना उड़े तो बारिश ना हो, बारिश ना हो तो जिंदगी खत्म हो जाए। ये गर्मी भी बहुत जरूरी है, सर्दी भी बहुत जरूरी है, सर्दी ना हो तो पानी जमे कैसे, दरिया कैसे चले, गर्मी फिर उसको आपको पिघलाती है,
सर्दी उसको किसी जगह स्टोर करती है उस पानी को। तो ये सारी चीजें जरूरत है, ऐब नहीं है। हमने इसको ऐब बना दिया अपने रवैयों से। गरीब की बेटी कोई नहीं ब्याहता, गरीब को इज्जत कोई नहीं देता। यानी हम कहते हैं साहबा बड़े गरीब थे, लंगोटी पूरी नहीं होती थी साहबा में से बाज की, तो वो कोशिश करते थे कि आखिरी साफ में नमाज पढ़े ताकि पिछले को हमारा सतर नजर ना आए। लेकिन उस जमाने में गरीबी ऐब नहीं होती थी, तकवा असल मियार होता था इंसानियत का। बंदा नेक है तो उसके पास लोहे की अंगूठी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शादी कर दी। लोहे की अंगूठी भी नहीं है, सिर्फ कुरान कुछ याद है, तुम्हें कुरान याद है जी, मुझे फला फला सूरतें याद है, अपने फरमाया उसके मेहर में मैंने ये तेरे लिए इसका निकाह कर दिया तेरे साथ। लेकिन आजकल आजकल तो फिर मस्नूई अमीर बनना पड़ता है ताकि लोग रिश्ता करें उस घर में आए लोग। वलाकिन युनज्जिलु बिकदर मा यशा, लेकिन वो नाजिल करता है अंदाजे के साथ, कदर के साथ, मायशा जितना चाहता है। इन्नहु बि इबादिही खबीरुन बसीर, यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर और देखने वाला है। ऐसा नहीं कि वो वाकिफ नहीं, हर हर बंदे को जाती तौर पर अल्लाह पाक जानता है। ऐसा नहीं कि कंपनी उसमें 2,000-3,000 बंदे काम करने वाले और डायरेक्टर को पता ही नहीं बंदा को ये मेरी कंपनी का है या नहीं। वो सिर्फ सुपरवाइजर को जानता है, इंजीनियर को जानता है, फॉरमैन को जानता है, नीचे उस पब्लिक का पता ही नहीं कि ये कौन है, क्या काम करता है और कितनी मेहनत से काम करता है, और कौन फॉरमैन को मस्का लगा के सारा दिन लेटा रहता है और फिर भी गुड बुक्स में, उसको नहीं पता। अल्लाह का मामला ये नहीं है। अल्लाह पाक हम में से हर एक के साथ इतना जाती ताल्लुक है उसका कि जैसे कायनात में सिर्फ दो हैं, एक मैं एक मेरा रब, तीसरी चीज कोई नहीं। इतना जानता है मुझे, इतना ताल्लुक है उसका मेरे साथ। यानी ऐसा नहीं कि वो दूसरों के साथ बिजी और उस वक्त मुझे भूला हुआ है, नहीं, मैं हर वक्त उसकी सोच में, उसके ध्यान में, उसके इल्म में इसी तरह अपना वजूद रखता हूं जिस तरह मेरे सिवा और कोई कायनात में चीज ही नहीं। समझ लगी भाई? ये ना समझो कि बड़ा रश है, 5 अरब इंसान है, कितने पहाड़ों में रहते हैं, कितने, अल्लाह मेरे बारे मेरे ऊपर ही कैमरा उसने लगाया हुआ। हां, तेरे ऊपर ही लगा हुआ। रात को भी वो तेरे दिल को देखता है, रात को तू करवट बदलते हुए जब लेता है ना उसका नाम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है, वो फूल जाता है खुशी से, फरिश्तों को बुला के कहता है देखो आंकुली इसकी, इसने करवट बदली और देखो मुझे याद किया। फज को रोनी अज कुरकुम, तुम मेरा ख्याल रखो मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। औफू ब्याह दी उफे ब्याह देखुम, तुम मेरे साथ किए हुए वादे पूरे करो मैं तुम्हारे साथ किए वादे पूरे करूं। वो अपने बंदों के बारे में बाखबर है, देखने वाला है। लोग ये समझते हैं कि जी वो नहीं जानता जी, और हमें फिर फला जगह जाना है, फलां जगह जाना है, फलां जगह जाना है। अल्लाह के साथ इतना यकीन रखो कि सिर्फ मुझी को सुन रहा है, सिर्फ मुझी को सुन। वो भी तो बंदा था, तवाफ कर रहे थे लोग और वो रो रहा था दाड़े मार मार। लोग सारे दुआ जितने भी वहां जाते रोते हैं, दुआएं मांगते हैं। वो कह रहा था अल्लाह पाक ये कुछ इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उधर नहीं तू मेरी तरफ देख। जैसे जो बंदा अस्पताल जाता है ना, वो सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब शोर मचाता है, बस मैं ही मर गया हूं डॉक्टर साहब आप उसको देख रहे हैं। हर बंदा मरीज ये समझता है कि जितनी तकलीफ उसको है इतनी किसी को भी नहीं। तकी उस्मानी साहब ने अपनी एक अजीजा का जिक्र किया, कहते हैं हम लेके गए उन्हें आगा खान हॉस्पिटल, तो उनके पेट में तकलीफ थी, तो जब हम लिफ्ट में बैठे तो हमने 4th-5th फ्लोर पे जाना था, तो रस्ते में एक खातून उन्होंने जली हुई थी पूरी, वो भी लिफ्ट में आ गई, तो वो बिल्कुल खामोश थी, जो हमारी अजीजा थी उसने पूरी लिफ्ट उठाई हुई थी। तो हमने उसको समझाया कि ये देखो इसका हाल देखो, ये भी तो बेचारी खामोश है, तो वो कहा जो जी वो तो उसको उसके कौन सा पेट में दर्द है, वो तो जली हुई है। यानी उसके नजदीक पेट का दर्द जो है वो जले होने से ज्यादा तकलीफ थी। तो वो बंदा कह रहा था अल्लाह पाक असली और जेन्युइन गुनाहगार मैं हूं, मेरी तरफ तवज्जो कर, ये कुछ नहीं, मुझे लेके जा ICU में। जब तक बंदा ये ना समझे कि बाकी सारे नेक हैं और मैं बनावटी नेक हूं और बाकी सारे बनावटी गुनाहगार हैं, मैं असली गुनाहगार हूं, तब तक बात बनेगी नहीं। वाहु अल्लज़ी युनज़िलुल ग़ैसा मिन बादी मा क़नतु। वाहुवा जब हुआ होता है और वो है, तो फिर वो के साथ वो सारी उसकी सिफात लगती है।
जितने उसके कारनामे हैं, जितने तेरे ऊपर एहसानात हैं, वो होवा जब कहो ना तो वो पूरे डिस्प्ले होने चाहिए तुम्हारे अंदर कि देखो तुम किसको छोड़ के कहां जा रहे हो, किसको, उसको हुआ अल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैसा, जो बारिश को बरसाता है, मिन बाद मा क़नतु, इसके बाद के लोग मायूस हो चुके होते हैं, यानी वो बारिश रोक के बरसाता है ना तो लोगों को कदर आ जाती है बारिश की, यानी फिर शेख साहब भी ऐलान करते हैं कि यार नमाज इस्तिस्का पढ़ ही लो, ये हमारे बस की बात नहीं है, हुकूमत अरेंज नहीं कर सकती बारिश, अल्लाह से मांगनी पड़ेगी। यानी ये बेबसी का आलम है ना कि प्रेसिडेंट भी फिर निकलता है बाहर, बताता है कि मैं भी सवाली हूं तुम्हारे साथ रब का, ये वैसे नहीं रखी गई नमाज इस्तिस्का, रखी क्यों गई है, कहा जानवरों को भी बाहर निकालो, खुद भी निकलो, मर्द भी निकलो, औरतें भी निकलो, और अपने पुराने कपड़े पहन कर निकलो, अतर फलेल और मिट्टी का तेल मल के नहीं, बुरे हालों बाहर निकलो, ताकि रब को बताओ कि अल्लाह पाक हम इकरार करते हैं कि हम आजिज हैं, तू सिर्फ कुछ भी ना करे, सिर्फ बारिश रोक ले तो हम मर जाएं, और जानवरों को लेके निकलो ताकि उन पर तरस आ जाए अल्लाह पाक को। तो रोक के जब देता है तो कदर आती है, पानी की कदर आती है कि नहीं आती रमजान में, यकीन करें दोपहर को जब बंदा जोर की नमाज में भी कुल्ली करता है तो गर्म पानी भी ठंडा लगता है, लगता है कि नहीं लगता, और जब बचपन में होते थे तो आधी कुल्ली बाहर जाती थी आधी कुल्ली अंदर जाती थी, बचपन में जो हम रोजा रखा करते थे उसमें जब हम वजू में कुल्ली करते थे या नहाते थे बाहर तालाब में तो फिर जो पानी मुंह में आ जाता था वो बाहर नहीं निकलने। रोक के जब अल्लाह पाक अपनी नेमत देता है, औलाद जिसके यहां 10-12 साल के बाद होता है वो मक्खी नहीं उड़ाते अपने बेटे के चेहरे से 12 साल बाद अल्लाह ने दिया है जी, और यही चीज खराब करती, वही चीज खराब कर देती है बच्चे, रोकना नहीं टोकना नहीं किसी चीज पे, और वही फिर खराब हो जाता। तो जब अल्लाह पाक रोक के देता है तो फिर बंदे को, जब बंदा गरीब होता है फिर अमीर होता है तो उसे गरीबों के एहसासात पता होते हैं कि जब मैं गरीब था तो मेरे ये एहसासात, मेरा दिल यूं करता था, और वो सोच, वो गरीब बन के सोचता कि आज गरीब का दिल भी ईद वाले दिन यही कर रहा है जो उस वक्त मेरा करता था। वह यंशुर रहमत हु, और वह अपनी रहमत को बखेर देता। बारिश की मिसाल वही के साथ दी है ना अल्लाह पाक ने कि वही भी असलन बारिश की तरह है। बारिश जब आती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में उसकी वजाहत की कि जब बारिश बरसती है तो एक जमीन वो होती है जो बारिश को फौरन अपने अंदर ले लेती है, उसमें से अनाज उगता है, लोग भी खाते हैं हवानात भी खाते हैं, ये एक किस्म जमीन की और ये एक किस्म इंसानों की जो वही को लेते हैं और फिर उसमें से फल, उनकी शख्सियत एक दरख्त बनती है जो हर मौसम में फल देती है, तोती उकलहाकुल्ला हीन बेजने रब्बे है, एक मिसाल हो। दूसरा आपने बनाया, एक जमीन वो होती है कि जो खुद तो पानी नहीं पीती, फल नहीं देती, लेकिन कम से कम महफूज कर लेती है वो, और उससे फिर वो जो डैम बनते और आगे नहरें निकलती हैं और लोग फायदा उठाते। देखना मंगला ने या तरबेला ने पानी रोक लिया तो उसके अंदर तो फसल नहीं ना पैदा हो रही, वो तो फसल आगे जा रही है और फिर वो मंडी बावलदीन में जनाब और भेरा में सरगोदा में पैदा हो रही है, लेकिन वो सबब बन गया ना। वो बाज लोग वो होते हैं जो इल्म हासिल करते हैं वही का, खुद अमल ना भी करें लोग उससे बड़ा इस्तफादा करते, लोगों को उससे बड़ा फायदा होता है। तीसरी किस्म आपने बताई कि वो है कि जहां जब बारिश गिरती है तो ना तो वहां पानी वो लेके फसल देती है, ना वो पानी स्टॉक करती है, बल्कि वो दलदल बन जाती है, सैम और थोर वाली जो जगह होती है ना वहां बारिश मजीद तबाही मचाती है, वो जमीन और ज्यादा कड़वी हो जाती है। तो ये तीन किस्में इंसानों की भी हैं, और हम चूंकि जमीन से बने हैं ना, जमीन के सारे मिनरल हमारे अंदर मौजूद हैं, इसी तरह जमीन की सारी खसूसियात भी हमारे अंदर मौजूद हैं। बाज लोग वो हैं कि जिनको कुछ भी कुरान हो या हदीस हो उनकी बीमारी में इजाफे के सिवा कुछ भी नहीं करता। देखना अबू लाब को और अबू जेल को क्या मिला कुरान से, ज़ादतहुम, उनकी रिजसन फी रिजसिहिम इला रिजसिहिम, उनकी गंदगी में गंदगी का इजाफा हो गया, खबासत में खबासत का इजाफा हो गया। ये वो है कि यो दिल्लो बही कसीरन, बहुत सारे इस बारिश से, रहमत की इस बारिश से दलदल बन जाते हैं बजाय इसके कि उन्हें कोई फायदा।
وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ اور اپنی رحمت کو نشر کرتا پھیلاتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ اور وہی ہے تمہارا ہمدرد, کارساز, تمہارے کام بنانے والا, تمہارا خیر خواہ, الحمید, ساری تعریفوں والا. اسے چھوڑ کے جاؤ گے تو کنڈیم کر کے جاؤ گے, کریٹیسائز کر کے جاؤ گے, عیب لگا کے جاؤ گے. جب ایک بچہ خالہ کے گھر جا کے روٹی کھاتا ہے تو پہلا اعلان یہ کرتا کہ امی روٹی نہیں دیتی, اگر ماں اسے کھلاتی تو خالہ کے گھر کیوں جاتا ہے, یہ پہلا عیب ہے. حالانکہ اللہ پاک گناہگار کو بھی دیتا ہے, کہا نا کہ میں کافر کو بھی دیتا ہوں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں نہ دوں؟ تو پھر تم جہاں دوسری جگہ جاتے ہو کسی نام سے بھی جاؤ, دیکھیں نا, اگر مجھے میری ماں کھانا دے رہی ہے تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں جا کے خالہ یا پھوپھی یا دادی کو لے کر آؤں سفارش کے لیے؟ تبھی میں لے کر آؤں گا نا دادی کو کہ امی نہیں دیتی, چلو میرے ساتھ سفارش کرو. خالہ کے پاس جا کے ترلے کروں گا, خالہ چلو میری امی سے بات کرو, امی نہیں دے رہی, امی کو سمجھاؤ. اور تم کیوں داتا کے پاس جاتے ہو سفارش کے نام پہ؟ یہ عیب لگاتے ہو نا کہ تم سفارش کرو, رب نہیں دیتا. قرآن کی نفی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس نے تو شیطان کو مایوس نہیں کیا, اس نے رب کہہ کے جو مانگا اللہ نے کہا, ایک چیز کا انکار نہیں کیا. اگر معافی مانگتا معافی بھی قبول کر لیتا, نہیں مانگی اس نے, اس نے جو مانگا رب کہہ کے اس نے دیا. شیطان کو مایوس نہیں کرتا, تو کیوں گلا لے کے جاتا ہے؟ ہم ان کے پاس جاتے جو ہمارے سفارشی ہیں, اور سفارشی تب ہی ہے نا کہ رب نہیں دیتا. یہ پہلے, سب سے پہلے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے نا کہ رب نہیں دیتا, اس کی سفارش ڈلوانی ہے. سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ الحمید وہ تعریف والا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ اور اس کی نشانیوں میں سے سائن ہوتا ہے, اصل میں آیا جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی کسی کے ہونے کا, کسی بدو سے پوچھا نا کسی نے کہ یار تمہیں رب کیسے مل گیا ہو, تم تو اتنے انٹلیکچوئل نہیں ہو, تمہیں رب کیسے مل گیا؟ ایک نادیدہ چیز. اس نے کہا ان البارا, بڑی کافی طویل, وہ چار پانچ شعر ہیں اس کے, انہوں نے کہا ان البارا تدل علی البعیر, اونٹ کی مینگنی اونٹ کے وجود کی دلالت کرتی ہے کہ ادھر سے اونٹ گزرا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ اونٹ کبھی نہیں گزرا, بس مینگنی کہاں سے آ گئی ہے, پیراشوٹ سے اتری, کیا ہو. اور چلنے والے کے قدم اس کے وجود پر دلالت کرتے ہیں. اس نے کہا ہم اونٹ چرانے والے ہیں, ہم اونٹ کی اس مینگنی کو توڑتے ہیں. آپ نے وہ پڑھا ہوگا واقعہ جب مسلمانوں نے قافلہ روکا تھا, اور اس سے وہ اندازہ کرتے تھے کہ کتنا گیلا ہے اور کتنا سوکھا ہوا, اور اس کو گزرے ہوئے کتنی دیر, ایک گھنٹہ پہلے یہاں سے گزرا ہے وہ. اور پھر اس مینگنی سے وہ دیکھتے تھے کہ اگر اس میں گھاس ہے تو پھر یہ فلاں قبیلے کا ہے, اور اگر اس میں دانے ہیں تو پھر یہ مدینے والوں کا ہے, کیونکہ مدینے والے کھیتی باڑی کرتے تھے تو دانے کھلاتے تھے اپنے اونٹوں کو. دیکھیں ان کے تجربے دیکھیں آپ. تو اس بدو نے کہا کہ اونٹ کی مینگنی سے ہم اونٹ تک پہنچ جاتے ہیں, رب نے تو قدم قدم پر اپنی نشانیاں بکھیری ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا وَفِ الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ, اگر تم یقین کرنے میں مخلص ہو, رب کی تلاش میں ہو, تو اس نے قدم قدم پر اپنی نشانیاں بکھیری ہوئی. وَفِي أَنفُسِكُمْ, تمہیں لندن جانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری اپنی جان کے اندر اس کی اپنی نشانی ہے. صرف تم مخلص ہو, اس کی تلاش میں ہو, تو پھر تمہیں ہر چیز نظر واضح آئے گی. وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کی تخلیق اس کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ, اور ان دونوں میں اس نے جو جاندار پیدا کر دیے ہیں. دیکھتے نہیں ہو کہ ہر کام کے لیے اس نے جاندار سوٹیبل, اس جاندار کو تم غور سے دیکھو کہ اس کو کیسے اللہ پاک نے اونٹ کو بنایا, ریت کے لیے بنایا, تو اس کے پاؤں ریت کے مطابق بنائے ہیں, چوڑے بنائے ہیں تاکہ وہ دھنسے نہ اس کے اندر. اسی طرح گھوڑے کو اگر میدانوں کے لیے بنایا ہے اور لڑائی کے لیے بنایا ہے, تو اس کے ناخن بڑے رکھے ہیں تاکہ یہ ساری زندگی دوڑتا رہے تو اس کے گھسے نہیں,
इसने सख्त जमीन पर दौड़ना है, उसके मुताबिक बनाए। वहुआ आला जम अहम इजा यशा कदीर, और वो जब चाहेगा वो इनको जमा करने पर कादिर। बस आप जब फोल्डर खोलते हैं, खोलते चले जाते हैं, लेकिन जब आपने बंद करना होता है तो ऊपर जाके आप क्लिक करते हैं तो पूछता है सारे टैब्स बंद करूं, आप यस करते सब बंद हो जाते, फेसबुक भी बंद हो जाता है, हॉटमेल भी बंद हो जाता है, स्काइप भी बंद हो जाता है, फलां भी बंद हो जाता है, बंद कर। जब आप पैसे जमा कराते हैं रोज 5-5 सौ 1000-1000 जाके जमा करवाते, जब निकलवाना चेक जब जमा करवाते साइन करते हैं आप उस पर, फिर जब आप पैसे निकलवाते हैं तो 10 मिलियन भी बस एक ही साइन करते हैं तो निकाल लेते। कौन से अल्लाह ने कायनात पैदा की है एक एक पत्ता, और सिर्फ कौन उसकी लगनी है, और तुम सब ने उठ के खड़ा, उसका सिर्फ कौन नहीं खर्च होगा, तुम 50 अरब इंसानों को भी खड़ा करने में उसने कौन कहना है, और तुमको एक एक पैदा करने में भी उसका कौन नहीं लगा। फरमान वमा खलकुकुम वला बासुकुम इल्ला का नफ्सिन वाहिदा, तुम सबको पैदा करना और तुम सबको दोबारा उठा करना मेरे लिए ऐसे जैसे एक जान को पैदा करो, मेरा कौन ही खर्च होगा, मैंने कोई फैक्ट्रियां नहीं लगानी। इन्नमा हिया जजरतुन वाहिदा, ये सिर्फ एक झिड़की होगी, फाइजा हुम बिस्साहिरा, तुम सारे जाग जाओगे, बस इतनी सारी बात है। उसने झड़क झड़ा और तुम बाल अपने झाड़ते हुए उठ के खड़े हो जाओ, एक एक कब्र से 50-50 मुर्दे निकलेंगे, इतनी सारी बात है। उसने कौन कहना है भाई साहब, कोई देर नहीं लगनी। वह आला जम अहमिजा यशाओ कदीर, और वो इनको जमा करने पर जब चाहेगा वो कादर है। इसका फैसला उसने करना है कि कब ये समेटना है सारा कुछ, और कब तक फिर ये इसी तरह रहेगा, जब हम क्यामत आ जाएगी, और ये क्यामत का मंजर इतना खौफनाक है, इतना खौफनाक है कि अल्लाह पाक किसी गुनाहगार मुसलमान पर भी उसको गुजारना नहीं चाहता, इतना रहम आता है अल्लाह पाक को अपने मोमिन बंदे पर। जब तक एक बंदा भी अल्लाह अल्लाह करने वाला, क्यामत नहीं आएगी, जब वो फौत हो जाएगा फिर क्यामत काफिरों पर कायम होगी असल, और वो बड़ी दहशतनाक चीज, उसमें कोई शक नहीं, खत्म हो जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, और पता नहीं कब तक खत्म हुआ रहेगा। जमीन आसमान खत्म हो जाएंगे, जन्नत जहन्नम मिटा दी जाएगी, जबराइल इजराइल मार दिए जाएंगे, अकेला अल्लाह होगा जिस तरह पहले अकेला था। कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, कुल्लो मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। और कितनी सदियां गुजर जाएंगी, कितने करोड़ साल गुजर जाएंगे, किसी को कोई पता नहीं, अपनी जात में समद बेनियाज। फिर एक दिन उसका ख्याल आएगा, चलो इनको उठाते हैं, हिसाब किताब शुरू कर। फिर जबराइल को बनाएगा, पहले अपना अर्श भी मिटा देगा वो, फिर अर्श बनाएगा, फिर जबराइल को बनाएगा, फरिश्ते बनाएगा, जन्नत रीन स्टेट की जाएगी, सारे फोल्डर खोले जाएंगे, फिर हमें उठाया जाएगा। ये उसकी रहमत पे डिपेंड करता है, कब फैसला करता है कयामत का, कब तक हम पड़े रहेंगे, कब हम उठेंगे, ये सारे फैसले उसने करने हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।